नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल बाइक टेक्निकल गुरु में। जैसा कि देख सकते हैं, आज जो है स्प्लेंडर प्लस बाइक का फुल इंजन फिटिंग करना है। आपको दिखाते हैं इसका फुल इंजन किस तरीके से फिट किया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, ये इसका गियर है, गियर पूरी तरह से छटक चुका है। अब आपको सेट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं ये वार्सल है, ये वार्सल इसी में रहेगा। लॉक को बैठाना है, लॉक बैठा के दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, लॉक इसका सेट हो गया है। दूसरा गियर लगा के दिखाते हैं। इसमें भी एक लॉक यहाँ पे लगेगा। देख सकते हैं ये लॉक सेट हो गया है। ये वार्सल है एक छोटा सा कांटा टाइप, इसको भी इसी में लगा लेना है। उसके बाद से ये छोटा वाला गियर रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं, ये गियर जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपको दूसरा गियर सेट करके दिखाते हैं। ये बड़ा वाला गियर को इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद इसमें लॉक लगा लेना है। देख सकते हैं इसका लॉक लग चुका है। लॉक के बाद ये वार्सल जो है ये यहाँ पे रहेगा। उसके बाद ये गियर, उसके बाद फिर वार्सल रहेगा। उसके बाद ये छोटा सा गियर रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं, उसके बाद ये वार्सल है। ये जो गियर है, ये जो है, ये ऊपर साइड में रहेगा। ये जो बराबर वाला साइड है, ये नीचे साइड में रहेगा। उसके बाद बूस्ट रहेगा। बूस्ट के बाद ये पतला सा वार्सल है, इसको लगा लेना है। ये गियर जो है हो गया है कंप्लीट। ये गियर फार्क है, आइए दिखाते हैं गियर फार्क में गियर कैसे बैठाते हैं। इसको इस तरीके से बैठा लेना है। बैठा लेने के बाद अब चेंबर में लगाते हैं। गियर देख सकते हैं इसका बैठ चुका है। अब इसके बाद जो है किक का शाफ्ट है, इसको लगा लेना है। जैसा कि देख सकते हैं, ये गाड़ी का क्रैंक है। अब इसको बैठा के दिखाते हैं। क्रैंक वरिंग जो है बहुत आसानी से बैठ जाता है। देख सकते हैं ये पैकिंग है, पैकिंग को पूरे अच्छे तरीके से लगा लेना है ताकि आयल ओल दिक्कत ना। जैसा कि देख सकते हैं, अभी इसका कवर लगा रहे हैं। देख सकते हैं चेंबर जो है इसका बैठ चुका है। इसके बोल्ट को लगा लेना है। देख सकते हैं इसके बोल्ट को जो है अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि इसका किक किस तरीके से सेट किया जाता है। किक को जो है पूरी तरह से घुमा लेना है इधर, और इसमें दाता होता है, बीच में ला के रोक लेना है ताकि ये शाफ्ट फ्री रहे। उसके बाद ये स्प्रिंग और ये घाट लगा लेना है।
जैसा कि देख सकते हैं चढ़ा लेना है। देख सकते हैं ये साफ जो है फ्री है। इसके लाक लगा देना है। लाक इसका बैठ चुका है। ये इसका गियर शाफ्ट है। गियर शाफ्ट को लगा लेना है। जैसा कि देख सकते हैं ये गियर चेंजर पत्ती है। इसको बैठा लेना है। जैसा कि देख सकते हैं गियर ये इसका फ्री है। पूरे अच्छे तरीके से लग रहा है। ये वार्सल है। वार्सल को यहाँ पे लगा लेना है। लगा लेने के बाद जो है क्लच हाउसिंग जो है इसको लगा लेना है। ये बूस है इसको बैठा देना है। बैठा देने के बाद ये कट वार्सल है। इसके ऊपर से ये कवर होता है इसको लगा लेना है। क्लच प्लेट अब सेट कर लेना है। सेट करके इसके बाद आपको टाइट करके दिखाते हैं। इसके स्प्रिंग को लगा लेना है। लगाने के बाद इसको टाइट कर देना है। इसको टाइट कर लेना है। ये आयल साफ करने वाला जाली है। इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही इसमें लगाएं। अब आपको इसका बैलेंस गियर टाइट करके दिखाते हैं। अब इसके प्लेट को लगा लेना है। प्लेट लगा लेने के बाद इसको टाइट कर देना है अच्छे तरीके से। ये टाइट हो गया है। क्लच कवर को अब बैठाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इसको बैठा देना है। जैसा कि देख सकते हैं क्लच कवर इसका बैठ चुका है। अब इसको टाइट करते हैं। पिस्टन का लॉक लगा दिए हैं। उसके बाद पिस्टन का पिन लगा लेना है। अब दिखाते हैं कि इसका रिंग कैसे लगाया जाता है। ये जाली वाली रिंग है इसको नीचे वाले में लगा लेना है। नीचे वाले में लगाने के बाद ये जो पतली वाली रिंग है ये आयल रिंग है इसको नीचे लगा लेना है। उसके बाद एक रिंग इसके ऊपर से लगा लेना है। ये दूसरी वाली जो काली वाली रिंग है रिंग दो नंबर इसको नीचे वाले खाने में लगाना है। ये जो एक नंबर रिंग है ये ऊपर वाले खाने में रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं रिंग इसमें बैठ चुका है। के बाद पैकिंग को लगा लेना है। एक रबड़ का ओरिंग है इसको यहाँ पे लगा देना है। जैसा कि देख सकते हैं ये जो GN5 है ये इस तरफ रहेगा मैग्नेट के साइड में। इसको लगा के दिखाते हैं। पिस्टन को लगा लेने के बाद इस साइड से भी एक लॉक लगेगा इसको लगा लेना है। जैसा कि देख सकते हैं पिस्टन जो है इसमें लग चुका है। अब आइए इस पर सिलेंडर लगाते हैं फिर दिखाते हैं आपको।
सिलेंडर को जो है आराम से लगाना चाहिए ताकि रिंग मुड़े ना, नहीं तो अगर रिंग मुड़ जाएगा तो गाड़ी धुआं देने लगेगी। जैसा कि देख सकते हैं इसमें टाइमिंग चैन लगा लेना है। टाइमिंग चैन लगाने के बाद ये छोटा रोलर है ये यहाँ पे रहेगा, ये बड़ा वाला रोलर है, बड़े वाले रोलर को लगा लेना है यहाँ पे। जैसा कि देख सकते हैं हेड का गैस्केट लगा लेना है। इसके बाद अब आपको हेड लगा के दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हेड जो इसका इस पर एक पैकिंग लगा लेना है। पैकिंग लगाने के बाद ध्यान रहे ये जो मार्का है ये हमेशा नीचे के साइड में रहता है। हेड के नट को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। जैसा कि देख सकते हैं ये पूरा टाइट हो चुका है। जैसा कि देख सकते हैं ये इसका टाइमिंग है, ये टाइमिंग सेट करके आपसे दिखाते हैं। टाइमिंग के गियर का ये जो दांता है इस दांता के सामने रहेगा, हेड में एक कट होता है छोटा सा उसी के सामने रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं टाइमिंग ये बराबर पे है, यहाँ का भी टाइमिंग सेट हो चुका है बिल्कुल बराबर से। अब इसको टाइट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये टाइमिंग चैन का प्लेट है, इसको लगा लेना है। इसके सेल्फ के गियर को लगा लेना है। इसके बाद इसका सेल्फ लगा लेना है। जैसा कि देख सकते हैं इसका मैग्नेट टाइट कर लेना है। मैग्नेट टाइट करने के बाद आपको दिखाते हैं आगे। जैसा कि देख सकते हैं इसका मैग्नेट जो है कवर इसको टाइट कर लेना है। जैसा कि देख सकते हैं इसका इंजन जो है कंप्लीट हो चुका है। और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।